सचिन पायलट की याचिका पर 24 जुलाई को आएगा हाईकोर्ट का फैसला, तब तक स्पीकर नहीं कर सकते हैं कार्रवाई। गहलोत ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कहा, चट्टान की तरह खड़े रहें, जीत आपकी होगी। सीबीआई ने राजस्थान पुलिस अधिकारी की आत्महत्या के मामले में अशोक गहलोत की ओएसडी से की पूछताछ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 85 साल की उम्र में निधन, तबियत बिगड़ने के बाद लखनऊ के अस्पताल में 40 दिन से थे भर्ती। राजीव गांधी हत्याकांड की आरोपी नलिनी श्रीहरन ने जेल में की आत्महत्या की कोशिश, 29 सालों से वेल्लोर जेल में है बंद। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर का पलटवार, मार्च से जुलाई तक की उपलब्धियां गिनाते हुए कसा तंज। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन मोड पर विवाद, काशी के साधु संत और ज्योतिषी उठा रहे आवाज। रतन टाटा ने कहा, किसी बिहारी को मिल सकती है टाटा ट्रस्ट की कमान, जरूरी नहीं टाटा सरनेम। अब राशन की दुकान पर गए बिना घर घर पहुंचेगा राशन, दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश, जगह जगह जलजमाव। सीरो सर्वे के रिजल्ट आए, 23.48% दिल्ली वालों में कोरोना के बाद बनी एंटीबॉडी। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आसमानी बिजली ने मचाई आफत, हर की पौड़ी में ढह गई 80 फीट की दीवार। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला, कहा बंगाल के लोग राज्य चलाएंगे, बाहर के लोग नहीं। पश्चिम बंगाल में 16 साल की लड़की की मौत के लिए दोषी ठहराए गए किशोर की मौत, तालाब में मृत मिला। संयुक्त राष्ट्र ने बाढ़ग्रस्त असम में राहत कार्य के लिए बढ़ाया हाथ, भारत सरकार की मदद करने को तैयार। महाराष्ट्र में दूसरे दिन भी जारी है दूध किसानों का प्रदर्शन, अलग अलग शहरों में बहाया सैकड़ों लीटर दूध। विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस ने उज्जैन पुलिस से पूछा, किसे देना है 5 लाख का इनाम। कोरोना ड्यूटी पर जान गंवाने वाले जवानों को मिलेगा शहीद का दर्जा, परिवार को 15 लाख देगी सरकार। इंडस्ट्री में होती है गुटबाजी, गोविंदा बोले कुछ लोग चलाते हैं पूरा बॉलीवुड। गाजियाबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने पत्रकार को गोली मारी, हालत गंभीर, 5 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी। पंजाबी और जाटों के बारे में टिप्पणी करने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने माफी मांगी। अमेरिका ने की बड़ी कार्रवाई, मुसलमानों के मानवाधिकार हनन की शिकायतों के कारण चीन की 11 कंपनियों पर लगाया बैन। पाकिस्तान ने चीन को दिया बड़ा झटका, बिगो ऐप बैन, टिकटॉक को अंतिम चेतावनी। रूस ने बनाई किलर डॉल्फिन मछलियों की सेना, सीरिया में मचा रही तबाही। चीन में बाढ़ से तबाही, 3 जॉर्ज डैम टूटने से हाहाकार। पूर्णिया में लाइटर जलाते ही सिलेंडर में लगी आग, मां बेटी समेत 5 की मौत। उत्तर बिहार में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार, सभी जिलों में अलर्ट जारी। नालंदा में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, डांसर के ठुमके पर लहराई पिस्तौल। सुपौल बॉर्डर पर नो मेंस लैंड के पास नेपाली नागरिकों ने तोड़ा सुरक्षा बांध, कुनौली जलमग्न। बिहार में मतदाताओं के सवालों का मिलेगा जवाब, चुनाव आयोग ने टोल फ्री नंबर 1950 किया जारी।